वाले से गाड़ी रोक कर कहा था कि इंडियन आइडल के दो कॉम्पिटिटर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते, पर दो लड़कों ने इस फैक्ट को इस साल झुटला दिया। ये दोनों उदासी में एक साथ, उत्साह में भी एक साथ, तन्हाई में एक साथ, तमाशे में भी एक साथ और रूम में भी एक साथ, और जब तबियत खराब हुई तो भी एक साथ। ओ यार अपनी यारी बरसों की है पारी, फिर भी सब लगे नया नया। कंपटीशन तो छोड़िए, आज के जमाने में दोस्ती की ऐसी मिसाल जो तैयार है एक साथ तय करने के लिए जिंदगी की ये जर्नी, पवनदीप राजन और आशीष कुलकर्णी। पर अफसोस कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये दोनों स्टूडियो तक नहीं आ पाए, पर स्टूडियो उन तक पहुंच रहा है। सो देखते हैं। हेलो, हाय। हेलो, नमस्ते। कैसे आप दोनों? नमस्ते मैम, नमस्ते जजेस। कैसे हो? कैसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा इच्छा थी आज वहाँ पे होके जय मैम के सामने परफॉर्म करने की, जजेस के सामने परफॉर्म करने की। तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई हम दोनों की, तो अभी सर रिपोर्ट्स का भी वेट कर रहे हैं हम लोग। पवनदीप और आशीष, आप सबको नमस्ते। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू बोथ। जल्दी आप ठीक हो जाइए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत सोच के आई थी आप सबके परफॉर्मेंस दोनों के देखूंगी इधर, लेकिन वी आर मिसिंग यू, जल्दी आप ठीक हो जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज के लिए बस आपको ये पूछना था कि जजेस क्या हम आपके सामने इधर से ही परफॉर्म कर सकते हैं दोनों? अरे वाह, परफॉर्म तो कर सकते हो, बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उससे पहले इन दोनों की दोस्ती के लिए एक लाइन मैं जरूर कहना चाहूंगा। अरे सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से वही टूटे ना ये पवन आशीष की जोड़ी। ओ, ओ, ओ। अब एक परफॉर्मेंस हो जाए पवन एंड आशीष। सजना दे रंग रगैया वे, सजना दिया शहनैया वे,
सीजन होने वाला है जहां पे परफॉर्मेंसेस जो घर से हो रहे हैं 100% हेल्थ ना होके भी हो रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रिप डाउन जस्ट पियानो और दो आवाजें साथ में, ऐसी एक परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाली परफॉर्मेंस बन जाएगी। दिस इज एपिक जो अभी इन्होंने गाया है, जो अभी परफॉर्म किया, इतना अच्छा, इतना सरल, इतना सच्चा, इतना सुरीला। गाइस आप लोग पागल हो यार, मतलब यहाँ ना होके भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हो कि आई डोंट नो व्हाट टू से। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्यूट। एक चीज में चलो धूर, साइली यहाँ पर रो रही थी कि वो उन्हें मिस बहुत कर रही है शायद। साइलू, वी मिस यू। ये सारे आपको बड़े मिस कर रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ यार। दोनों को मैं बधाई देना चाहती हूँ सबसे पहले, और आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप लोग, क्योंकि हमारे दुआएं और लोगों के दुआएं आपके साथ हमेशा है, आगे भी रहेगा। और आप बीमार नहीं है, यू नो इट्स अ पॉज, आपको आराम देने के लिए एक वजह बन गई बस। एंड यू आर द बेस्ट, आप दोनों ने एक दूसरे के इतना जो दोस्ती का निभाया, दोस्ती तो दुख में, सुख में, बीमारी में भी एक दूसरे को दोस्ती निभा रहे हैं आप लोग, तो गॉड ब्लेस यू बोथ। और आप एक बार आना है यहाँ पे और धूम मचाना है। कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। हम लोग आप दोनों को मिस कर रहे हैं रियली, जल्दी आ जाओ प्लीज। जया जी मैं आपको बताना चाहूंगा दैट ये दोनों पवन और आशीष गाने कंपोज भी करते हैं, और आगे जाके इनकी एक कमाल की जोड़ी भी बन रही है पवन आशीष के, और ये साथ में कंपोज भी करने वाले हैं एक साथ कमाल के गाने। जो सबसे ज्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं ना, आप दोनों का जो एक पागलपन है ना, पवन का चिल्लाना चिपक के, मतलब वो एक एक की परफॉर्मेंसेस पे जो मतलब कूद गाद करना स्टेज पे, वो हम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से वापस आओ। वी रियली मिस यू गाइस, योर प्रेजेंस। आवाजें तो है, आवाजें तो आ ही रही हैं और आवाजें स्टेज भी भर रही हैं, बट आई हैव टू से आप लोगों का यहाँ होना बहुत एनर्जी देता है हम सबको। सो जॉइन अस क्विकली। आशीष, तुमने बहुत ही दिल से गाया, बहुत बहुत प्यार से गाया तुमने इस गाने को। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम सुन रहे हैं तुम्हें, और कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि हाँ क्या सिंगर है। और जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था आशीष, के मैं दानिश का और पवनदीप का बहुत ही बड़ा फैन हूं, लेकिन अब तुम्हारा भी मैं बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन हूं आशीष।
एंड पवनू, मैं तुम्हारा दीवाना था, दीवाना हूँ, दीवाना रहूंगा. तुम लोगों की जोड़ी और तुम लोगों की दोस्ती को लेकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई मैंने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस अपने गाए हैं और बहुत हिट हुए हैं. भैया आप लोगों के जो एक कोई कॉम्पोजिशन हो वो मुझसे गवा लेना. हाय हाय. तो मुझे इतना पूरा यकीन है कि मैंने आपका कोई गाना सुना नहीं है एज अ कंपोजर, लेकिन वो जो होगा वो ब्लॉकबस्टर हिट होगा. इनकी टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं श्योर हूं, इतना पारखी हूं कि पवनू और आशीष कुलकर्णी का गाना मैं जरूर गाना चाहूंगा. भैया हमें एक गाना दे देना. लाइन खुली है तो उनके लिए मैं वोट अपील कर लेता हूँ कि प्लीज सोनी लिव ऐप पर जाइए या उसे अपडेट कीजिए, या फिर आप firstcry.com पर भी जाकर इन्हें ढेर सारे वोट कर सकते हैं. वोटिंग लाइन खुली है आज रात 1 बजे तक ही, तो ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास. प्लीज इन्हें वोट कीजिए. अगली बार हम आपको वहां पर नहीं हो बल्कि स्टेज पर यू नो झूमते और गाते हुए देखें. सो गेट वेल सून एंड लव यू ऑल. थैंक यू. लव यू भैया. थैंक यू. सी यू. इनमें से सबसे ज्यादा कंजूस कौन था? खामोश.